If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 सेंटीमीटर then the length of each tangent is equal to. तो जो टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी वो हमें बतानी है. तो अपने पास एक सर्किल है, मान लीजिए ये अपना सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया. तो अपने पास टू टेंजेंट्स हैं, एक मान लीजिए इस तरीके से हमने पास किया इसको और एक इधर से. तो ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं ये पी पॉइंट मान लेते हैं. तो जो ये एंगल बना है वो कितना है, 60 डिग्री है. और ये मान लीजिए कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ रेडियस हो गई, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. इसी तरीके से इधर भी ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं. तो ये जो रेडियस है वो अपने पास 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको इससे मिला देंगे. तो ये जो 60 डिग्री था ये 30 30 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 30 डिग्री, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो हम इन दोनों जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं अपने पास इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस, ये दोनों सेम पार्ट, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगी ये वाला पार्ट, और इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री. तो ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो यहाँ वाले जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे सीपीसीटी से. तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये पूरा 60 है, तो सीधी सी बात है ये 30 30 हम लोग प्रूफ कर लेंगे. तो इस तरीके से हमने इनको फाइंड कर लिया. मान लीजिए ये टेंजेंट है यहाँ से लेके, इनको ए बी बोल देते हैं. तो ए पी हमें फाइंड करनी है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ. तो यहाँ पे आसानी से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेनियस हो गया, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है. और यहाँ पे हो सकता है कि ये ओ पी भी फाइंड करवा ले, तो इसको भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने अपने पास रेडियस आ गई, जिसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है. तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये जो बच गया वो बेस हो गया. तो अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे 3 अपॉन एक्स आ गया. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा. तो टेन और थीटा की वैल्यू, थीटा हमने लिया 30 डिग्री. अब टेन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो 3 अपॉन एक्स और 1/√3 को. तो रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3√3 मल्टीप्लाई होके और एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3√3 सेंटीमीटर. यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है. आप लोग चाहें कि ये 90 है ये 30 है, तो ये वाला अपने आप ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 60 डिग्री आ जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. तो यहाँ से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाला थीटा लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एक्स परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या, बेस 3 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो 90 के सामने फिक्स है. तो इस तरीके से टेन, इस बार एंगल हमने 60 लिया, तो टेन 60. तो यहाँ से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3, और ये है अपने पास एक्स अपॉन 3, तो 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से भी x इक्वल टू 3√3 ही आएगा. तो इस तरीके से हम लोग टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.